पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले करीब 11 घंटे से कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं। बार ममता के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के सभी मंत्री भी घटनास्थल पर मौजूद है, पूरी कैबिनेट वहां पर है और आज दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी ममता को समर्थन देने के लिए कोलकाता पहुंच सकते हैं। अपडेट के लिए सीधे जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता बताया जा रहा है कि मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास चलेंगे जो घटनास्थल पर ही मौजूद है। पूजा, पूरी रात धरने पर बैठी रही ममता और आज कैबिनेट की बैठक भी वहां होगी, आज तो बजट भी पेश होना है बंगाल में। जी बिल्कुल अमन, करीब 9 बजे रात को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पहुंचती है धर्मतल्ला के मेट्रो चैनल में धरना देने के लिए और लगभग रात को 1.5 बजे 1.5 बजे के आसपास जो है ये मंच तैयार हुआ। पूरी तत्परता के साथ इस मंच को बनाया गया, हम जो वॉर फुटिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी तत्परता के साथ बनाया गया और उसके बाद 1.5 बजे से सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही नहीं उसके अलावा जितने भी कैबिनेट मंत्री है उन्होंने यहाँ पर बैठकर अभी भी जो बैठे हैं, हम आपको तो थोड़े से विजुअल्स दिखाएंगे। देखिए ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब जो है यहाँ पे धरना दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपको धरने के मंच पे नहीं दिख रही होगी, वो फ्रेश होने गई है, पूरी रात यहाँ पे वो बैठी रही। लेकिन जहां तक आज स्टेट बजट पेश होने की बात है और कैबिनेट बैठक होने की बात है वो यही धरने के मंच से की जाएगी, बैठक जो है वो यहीं पर होनी है और उसके बाद बजट भी जो है वो यहीं से पेश होना है। 10:30 बजे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी और सबसे अहम बात, कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। सरकार की ओर से दो दलीलें सामने रखी जाएगी, एक तो ये कि जो सेक्शन 160 सीआरपीसी के तहत सीबीआई ने जो नोटिस भेजा था कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को, उस पर एक स्टे मिला था कलकत्ता हाईकोर्ट से और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि सीबीआई कोई भी कोएर्सिव एक्शन नहीं ले सकती 13 फरवरी तक। तो ये जो है प्योर वायलेशन है कोर्ट के ऑर्डर का, ये दलील सामने रखेगी। और दूसरी दलील ये रखेगी कि आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपना कंसेंट विड्रॉ किया था, लिहाजा अगर सीबीआई को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना हो राज्य में तो उनको बिना राज्य सरकार की अनुमति या सैंक्शन के वो नहीं कर सकती। तो ये जो दलीलें हैं मूल रूप से ये रखी जाएगी कोर्ट में। लेकिन वही दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये कहा जाएगा कि उनको वारंट नहीं चाहिए किसी को सर्च करने के लिए या किसी के घर पर रेड करने के लिए। और जिस तरीके से कल हमने विजुअल्स में देखा कि कोलकाता पुलिस के ऑफिशियल्स ने सीबीआई के अफसरों के साथ बदसलूकी की, वो विजुअल्स भी पेश की जाएगी और उन पर ये भी कहेंगे कि उनको कैसे अपना काम करने से रोका गया। ठीक, मैं आपके पास आऊंगा पूजा और अपडेट के लिए। मेरे साथ प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता सीबीआई हेडक्वार्टर जो दिल्ली में वहां से मौजूद है। प्रमोद, सीबीआई का क्या आज मूव रहेगा, सीबीआई भी कोर्ट पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट? जी बिल्कुल, क्योंकि जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सीबीआई को दिया गया था 2014 में। उसके बाद से लगातार सीबीआई जो है शारदा चिटफंड केस की जांच कर रही थी, इसमें कई टीएमसी के नेता भी गिरफ्तार हुए थे और कई सारे अहम सबूत मिले थे। उसके बाद कल राजीव कुमार के घर पे जब सर्च की गई उसके बाद ये सारा हंगामा हुआ कि जिस तरीके के सीबीआई के अधिकारियों को ही डिटेन कर लिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया है। तो आज जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके सीबीआई अपना पक्ष रखेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ही ये पूरा केस जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और ये भी साथ में बताया जाएगा कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को 165 सीआरपीसी में ये अधिकार है कि वो बिना सर्च वारंट के किसी से के घर पे भी सर्च कर सकता है, किसी से भी पूछताछ कर सकता है। तो सीधे तौर पे सीबीआई की जो कार्य प्रणाली है जो काम कर रहा है उसके अंदर जो दखल दिया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा क्योंकि पहले जो एसआईटी बनाई थी शारदा चिटफंड केस में राजीव कुमार उसके हेड हुआ करते थे और राजीव कुमार को एक डायरी मिली थी जिसमें कई नेताओं के नाम थे और उसके बाद वो डायरी गायब हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीर मानते हुए, क्योंकि करीब 10 लाख लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ था निवेशकों का और 3000 करोड़ के करीब का ये घोटाला था। उसके बाद ये इस केस 2014 में सीबीआई को दिया गया था और सीबीआई लगातार जांच कर रही थी और उसमें काफी लोगों से पूछताछ की थी, कई नेता गिरफ्तार भी हुए थे।
उसके बाद जब राजीव कुमार के घर पे सर्च की गई थी क्योंकि कई क्लू मिले थे, उसके बाद बिना सर्च वारंट के क्योंकि 165 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है, उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। लेकिन जिस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही है कि आज क्योंकि नए डायरेक्टर जो है वो आज अपना चार्ज ले लेंगे, तो उसके बाद इस पूरे मामले को रखा जाएगा और सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ रविंद्र जिमीरिया संवाददाता, वो भी जुड़ चुके। रविंद्र, ममता सरकार कोर्ट जाएगी, सीबीआई कोर्ट जाएगी, बीजेपी चुनाव आयोग जाएगी, सीईसी? बिल्कुल, आज 10:30 बजे मेंशनिंग है। जाहिर तौर पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से होंगे, तो वहीं जो हमें जानकारी मिल रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी होंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता, निर्मला सीतारमण हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, तमाम बड़े नेता आज चुनाव आयोग भी जाएंगे 12:30 बजे। तो कहीं ना कहीं सियासत जो कलकत्ता में भी चल रही है और दिल्ली में भी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मूल बात यह है कि आखिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है। शारदा चिटफंड सुप्रीम कोर्ट, उनको भी पता है, उन्होंने भी एसआईटी गठित किया था, उसकी भी जांच चली थी, जैसे भी हो, लेकिन आखिर इस मोमेंट में चुनाव के समय ममता बनर्जी ने यह स्टेप क्यों लिया, पुलिस कमिश्नर के बचाव में और पूरी सीबीआई को अरेस्ट, घेराव, ये सब। कहीं ना कहीं जो हमें जानकारी मिल रही है बीजेपी के बड़े नेताओं का यही कहना है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए और उसके बहाने वो मोदी सरकार पर, बीजेपी पर घेरे आरोप लगाए कि ये हमें काम नहीं करने दे रही है, जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगाई है। तो कहीं ना कहीं उनका मकसद यही दिख रहा है, ये बीजेपी के नेताओं का ना। लेकिन जिस तरह से हुआ ये जरूर जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी कॉग्निजेंस लेगा कि संघीय ढांचे की बात कही जा रही थी, इंटॉलरेंस की बात कही जा रही थी, संघीय ढांचे को बर्बाद करने का जो आरोप लग रहा था आखिर कौन बर्बाद कर रहा, क्या सीबीआई किसी भी राज्य में जाने से पहले क्या वहां से वीजा लेगा, उस मुख्यमंत्री से वीजा लेगा, उसका प्रमाण पत्र लेगा कि हम आ रहे हैं, या फिर जांच करने से पहले वो ढिंढोरा पीटेगा, ढोल नगाड़ा बजाएगा कि मैं आ रहा हूं आपके घर पर जांच करने के लिए, आप सहयोग करें। सीबीआई का एक मकसद है, सबको पता है, वो जांच करने गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और उसके बाद इस तरह से घेराव करना, अरेस्ट करना, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अवमानना है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त कार्रवाई करेगी ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लीगल फैक्ट में भी कहा जा रहा है। क्या रविंद्र ये राष्ट्रपति शासन के विकल्प पर भी विचार कर रही है सरकार? देखिए, सरकार के सामने ये आखिरी विकल्प होगा, जब सुप्रीम कोर्ट का जो क्या निर्णय आता है जाहिर तौर पर सबको देखना है, सरकार भी उस पर पैनी नजर रखी हुई है। हमें जो जानकारी मिली कल देर रात तक आपस में चर्चा भी हुई, चाहे लॉ मिनिस्ट्री से हो या दूसरे अधिकारियों से हो, सब आपस में चर्चा कर रहे थे, और लेकिन दो ही रास्ता हुआ, एक तो राज्यपाल से मिलेंगे और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा क्या और एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मसला है। आप ईडी को अपने स्टेट में आने से रोक सकते हैं, रोकने का धमकी देते हैं, आप सीबीआई को जांच नहीं करने की धमकी देते हैं, और जब जाती है सीबीआई तो उसको अरेस्ट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो संविधान बना है, बाबा साहब अंबेडकर के सब गुणगान करते हैं, उनके जो उनका जो संविधान है कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन है, और जो सरकार इसका उल्लंघन कर रही है उसके खिलाफ जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई आज फैसला देगा, ऐसा सबको मान के चल रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ पूजा मेहता लगातार वहां से मौजूद है। पूजा, आगे ममता बनर्जी वहां पर पहुंचेंगी, फिर 10:30 बजे कोर्ट जाएंगी, और अभिषेक मनु सिंह भी रिप्रेजेंट करेंगे ममता का केस कोर्ट में। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी यहीं पर है, ये जो धरना का मंच है उसके पास ही है, वो कहीं नहीं जाएगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि बजट भी जो पेश होना है वो फोन के माध्यम से होगा, कैबिनेट बैठक भी जो है वो इसी मंच पर होगी, और 10:30 बजे जो कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी, और उसके बाद ही इस जो धरने का फ्यूचर है उस पर निर्भर करता है। तो क्या होगा आखिर इस धरने का, आखिरकार कितने दिन चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही सामने आएगा। तो पूजा मेहता लगातार वहां से मौजूद हैं, जो बता रही हैं कि ममता बनर्जी वहां धरने पर बैठी रही पूरी रात, धरने पर 9:00 बजे से लेकर 8:00 बज चुके हैं, लगातार पूरी रात धरने पर बैठी रही। ये दो घोटालों का जिक्र दरअसल इसमें किया जा रहा है बार बार, और ये जो घोटाला है पूजा, इसमें आरोप क्या है राजीव, जो दिल्ली जो पुलिस कमिश्नर है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, जिनसे पूछताछ करना चाह रही थी सीबीआई, इसमें आरोप इन पर है सबूत नष्ट करने का, कुछ डायरी मिली थी वो गायब हो गई थी, आरोप क्या इन पर?
जी आपको बता दें 2011 में जब ममता सरकार यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती है उसके बाद ही शारदा चिटफंड स्कैम पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाता है और इस एसआईटी को हेड कर रहे थे खुद राजीव कुमार। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ये देखा गया कि सबूत के तौर पर एक रेड डायरी थी जो वो मिसिंग हो गई, तो सवाल साफ तौर पे उठ रहा था वो एसआईटी के हेड पर कि आखिर ये जो एविडेंसेस है वो क्यों नहीं मिल रहे हैं, डायरी का गायब हो जाना, उसके बाद बैंक की एक लॉकर को खाली कर देना, जिस बैंक में रोज वैली के कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे उनको एक जब खाली कर दिया गया लेकिन सीजर लिस्ट में बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनको नहीं दिखाया गया, तो बार बार सीबीआई की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे एसआईटी पर कि आखिरकार जो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही थी उसके बाद देखा गया कि कुछ सबूत जो है वो गायब हो जा रहे हैं या फिर तो जो है कोरोबरेट नहीं हो रहे हैं कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स, क्योंकि इस मामले में कई ऐसे तृणमूल कांग्रेस के नेता है जो जेल जा चुके हैं और उसके बाद नेता जैसे मदन मित्रा तो वो दो बार जेल जा चुके हैं, लिहाजा जो है बार बार सीबीआई की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो अहम एविडेंसेस है या तो उसे नष्ट कर दिया गया है या तो उसे गायब कर दिया गया है। और रविंद्र ये जिस बात का जिक्र पूजा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुआ एक तरीके से। बिल्कुल, देखिए ये एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त कार्रवाई करेगी जैसे पहले बताया। लेकिन एक बात और है, जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है वो धरना पर आखिर क्यों बैठा? पुलिस कानून का जो कंडक्ट ऑफ रूल है उसका सीधा साधा उल्लंघन है, तो जाहिर तौर पर उनको उस कानून के अनुसार भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और शायद होगी भी। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में अगर कोई जांच करा रहा, एसआईटी गठित किया हुआ, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, वैसे में अगर सीबीआई किसी भी डॉक्यूमेंट की मांग करती है, किसी भी व्यक्ति को बुलाती है, समन करती है और उसका वो समन का जवाब नहीं देते, दो दो नोटिसें जाती है, नहीं जाती, 40 अधिकारी जाते हैं उनको घुसने नहीं दिया जाता, वहाँ के जो गार्ड है वो उनको घुसने नहीं दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि साहब नहीं है, कोई कभी कभी कहता है कि वो लीव पर है, कभी कोई कहता है कि आज देर शाम तक वो ऑफिस में थे, इस तरह के जो वहाँ पर वातावरण बनाया गया, जाहिर तौर पर इससे बचने की कोशिश की गई। जैसा कि पूजा बता रही है, आखिर जब आप एसआईटी के अधिकता कर रहे थे, एसआईटी का जो गठित हुआ था उसकी जांच कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट आपने सीबीआई क्यों नहीं दिया? जब सीबीआई को यह अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो आपको जब बोला गया कि आप आइए, आप नहीं आ रहे, आपके पास हम आ रहे हैं तब भी आप बुला नहीं रहे, आप पेश नहीं हो रहे ना हमें सामने आ रहे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का यह अवमानना सीधा साधा अवमानना है। और राजीव कुमार जो एक पुलिस अधिकारी हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं सीएम के साथ, सीएम की सुरक्षा के मानते हैं कि उनकी जिम्मेवारी है, तो वो खड़े हो सकते हैं, दूर बैठते हैं अपनी गाड़ी में या उनका एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन वो ठीक बगल में बैठ जा रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? और ममता बनर्जी घर चली आती और आज एक बार फिर से खेमेबंदी दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि कई विपक्ष के नेता आज पहुंचेंगे ममता बनर्जी के पास कोलकाता में उनका समर्थन करने के लिए। राहुल गांधी ने फोन भी कर दिया, ट्विटर ट्वीट भी हमने देख लिया उनका, तेजस्वी यादव से लेकर तमाम बड़े नेता जो है बड़ी बड़ी पार्टियों के सब समर्थन में उतर आए ममता दीदी के। जाहिर तौर पर दीदी के हम साथ हैं, चाहे मसला कुछ भी हो, लेकिन चूंकि बीजेपी के खिलाफ है इसलिए हम आपके साथ हैं। कल रात से ही उनको फोन जा रहा है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या दूसरे तमाम बड़े नेता, और ये हो रहा है कि आज फिर से ब्रिगेड ग्राउंड की जगह पर हम जहां धरना ग्राउंड है वहां पर पहुंचकर उनके साथ हम एकजुटता दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं सियासत हो रही है बीजेपी वर्सेज ऑल, और ये बीजेपी वर्सेज ऑल ठीक है, सियासत होना चाहिए मुद्दों के आधार पर, लेकिन ये किस मुद्दे पर कर रहे हैं सबका समर्थन? ममता बनर्जी ने एक जो संघीय व्यवस्था थी उसका क्या उल्लंघन नहीं किया? ये सोचना होगा, ये बताना होगा कांग्रेस हो या दूसरे दल के बड़े नेता। अगर यही कोई दूसरा दल आता है केंद्र में, अगर इसी तरह की व्यवस्था हो, आज बीजेपी के 15-16 राज्यों में सरकार है, अगर वहां पर इसी तरह की व्यवस्था तो कैसे शासन चलाएंगे? और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले कहा और पहले भी कहते रहे कि हमें सीबीआई ने कई बार बुलाया, हम गए, यहां तक अमित शाह को अरेस्ट भी किया गया, फिर भी हमने ये नहीं कहा कि सीबीआई गुजरात में नहीं घुसेगी, हमने आने दिया, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा सीबीआई के सामने हमने पेश हुआ। तो क्या वो उस समय नहीं कर सकते, एक आदेश पारित नहीं कर सकते थे? इसका जिक्र मेरे ख्याल से रविंद्र जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं वो कल कई बीजेपी के नेता कर रहे थे कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, 9 घंटे बिठा के पूछताछ की थी, 9 घंटे बिठाकर पूछताछ की गई थी
और इसके अलावा जेल भी जाना पड़ा था कई बीजेपी नेताओं को, तब जांच में जिस तरह से सहयोग किया गया था, और तब मुख्यमंत्री से 9 घंटे पूछताछ की गई थी, आज एक अधिकारी से पूछताछ करने पर आसमान को सर पर उठा लिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने के लिए संविधान की आड़ ली जा रही है और ये ड्रामा आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। जो अपडेट है जो पूजा दे रही है, जो अपडेट है जो रविंद्र दे रहे हैं, उसके मुताबिक 10:30 बजे ममता सरकार कोर्ट जाएंगी, 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पहुंचेगी और 12:30 बजे जो रविंद्र ने जानकारी दिया उसके मुताबिक चुनाव आयोग, बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग जाएगा और वहां पर जाकर ममता सरकार की शिकायत की जाएगी।